नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित के सक्सेना आपके साथ यही नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की संशोधित दिशा निर्देशों के बाद 21 जून को सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में 22 जून सुबह 8 बजे तक 86,16,373 खुराकें दी गई। सभी राज्यों में सबसे ज्यादा टीकाकरण मध्य प्रदेश में किया गया है। यहां पर 16 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगा चुके हैं। अकेले इंदौर जिले में 2.2 लाख टीके की खुराकें गई हैं, तो सोमवार को दिल्ली में हुए टीकाकरण से यह 3 गुना ज्यादा है। न्यूजीलैंड के उभरते तेज गेंदबाज काइल जैमिसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहली पारी में भारत के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। 6 फीट 8 इंच लंबे जैमिसन ने 31 रन देकर के 5 विकेट लिए हैं। उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा के बड़े विकेट लेने के साथ ही ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह को अपना शिकार बनाया है। फाइनल में जिस तरह से जैमिसन ने गेंदबाजी की, उन्हें आने वाले समय का महान गेंदबाज माना जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए देश में 21 जून से बड़े स्तर पर टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत 18 साल की उम्र से अधिक के सभी लोगों को सरकार की ओर से निशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि प्राइवेट अस्पताल टीके के लिए रुपए लेंगे, लेकिन उनके लिए इसकी अधिकतम रकम तय कर दी गई है। इस मुफ्त टीकाकरण के लिए 1 मई को नीति बनाई गई थी और टीकाकरण अभियान से जुड़े सवालों के भी जवाब उसमें लिखे गए थे। राजस्थान में मानसून दस्तक दे चुका है और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। किसान बुआई में जुटने लगे, लेकिन इसी बीच जोधपुर डिस्कॉम के कारण प्रदेश के 10 जिलों के किसान खासा परेशान हो रहे हैं। 5 महीने पहले बिजली कनेक्शन का पैसा जमा करवाने के बावजूद अभी तक डिस्कॉम इन किसानों की खेती तक बिजली नहीं पहुंचा पाया। हाड़ौती संभाग के किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। मानसून में खरीफ की बुआई में जुटे कोटा संभाग के किसानों के लिए अब डीएपी की कमी नहीं रहेगी। इलाकों में डीएपी की किल्लत की खबरों की जानकारी सामने आने के बाद कोटा बूंदी सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में दखल दिया है। उसके बाद अब डीएपी के 2 रैक इफ्टो और कोटा के लिए रवाना कर दिए गए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।